नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय वर्मा। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विहान कंपनी की एलईडी फुट लाइट। तो इस फुट लाइट के अंदर सबसे खास बात यह है कि आप इस लाइट को 4-3 का जो बॉक्स होता है, जिसको हम 3 मॉड्यूल का बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे 5-3 का जो बॉक्स होता है, जिसको हम 4 मॉड्यूल का बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर भी आप इसे लगा सकते हैं। और दोस्तों, फुट लाइट का उपयोग आप होटल के अंदर, सीढ़ियों के अंदर, पार्किंग के अंदर, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। हमारे पास ये जो लाइट है विहान कंपनी की है, एवर मॉड्यूलर लिखा हुआ है और उससे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है फोरम फुट लाइट। फुट लाइट को हमने बॉक्स से बाहर निकाल दिया है। अब आप सामने से इसका लुक देख सकते हैं। तो सामने से फ्रंट आपको इस तरह का इसका मिलने वाला है। नीचे की जो साइड है वहाँ से रोशनी बाहर निकलती है। तो लुक वाइज आपको बहुत ही बेस्ट यह लाइट मिलने वाली है। अब दोस्तों, मैं आपको इस लाइट का जो बैक साइड है वह दिखा देता हूँ। तो बैक साइड आप देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको इसका मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ कंपनी का नाम, जैसे कि विहान कंपनी का नाम है। और यह जो लाइट है यह 4 वाट की है। इसके अंदर हाफ हाफ वाट के 8 बल्ब लगे हुए हैं। हमारे घर के अंदर जो बिजली आती है 220 वोल्ट की, उसके ऊपर आप इसे आसानी से चला सकते हैं। इस लाइट को जब भी आपको इंस्टॉल करना है तो आपको आगे का जो कवर है वह हटाना होगा। तो यह जो कवर है यह हमने हटा दिया है। इस लाइट को दोस्तों आप मॉड्यूलर लोहे के बक्से के अंदर तो लगाएंगे, साथ में आप सनमाइका की सीट हो वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं, ईसीपी सीट हो वहाँ पर लगा सकते हैं, फर्नीचर बोर्ड हो, पीवीसी बोर्ड हो, वहाँ पर आप अपनी हिसाब से कटिंग करवा कर लगा सकते हैं। कई जगह पर पुरानी फिटिंग होती है, वहाँ पर सनमाइका की सीट होती है और लकड़ी के बोर्ड होते हैं, तो सनमाइका की सीट के अंदर कटिंग करवा कर आप इसे लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 साइज के बक्से हैं, 3 मॉड्यूल का जिसको हम 4-3 का बोलते हैं और 4 मॉड्यूल का जिसको हम 5-3 का बोलते हैं। तो इनके अंदर मैं आपको लाइट लगाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि यह 3 मॉड्यूल का है, इसके अंदर आप इस लाइट को आसानी से लगा सकते हैं। देख सकते हैं सामने आप, इस तरह से लग जाएगी। लाइट को बक्से के अंदर फिट करने के लिए आपको 2 पेच की जरूरत होगी। पेच की सहायता से आप इसको अच्छे से इसके ऊपर कस देंगे। दूसरा, हमारे पास ये जो बक्सा है 5-3 का, 4 मॉड्यूल का, इसके अंदर भी ये लाइट अच्छे से फिट आ चुकी है। इस लाइट को आप 3 मॉड्यूल और 4 मॉड्यूल का जो बक्सा था लोहे वाला, उसके अंदर तो आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों साइड में आपको 4 होल देखने को मिलेंगे, जो कि कोने के ऊपर हैं। आपके बक्से का जो साइज है वह 5-4 का है, तो वहां पर भी इस लाइट को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कटिंग कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी है, तो उसके हिसाब से भी आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं, क्योंकि पेच के लिए अनेक आपको यहाँ पर सुराख देखने को मिल रहे हैं, आप आसानी से फिट कर सकते हैं। इस लाइट को हमने बिजली के अंदर लगा दिया। अब आप सामने इसकी रोशनी भी देख सकते हैं। हमारे पास ये जो लाइट है वार्म व्हाइट कलर की, जिसको हम पीला कलर बोलते हैं। रोशनी एकदम आपको इसकी बेस्ट मिलने वाली है और पूरी फैल कर रोशनी आपको इस लाइट की मिलने वाली है। आप इस लाइट को मार्केट से परचेज करेंगे तो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में ये लाइट आपको आसानी से मिल जाएगी। विहान कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और दोस्तों, आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा।